नमस्कार दोस्तों, गोल्ड बॉन्ड यानी कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड 31 अगस्त 2020 से इसकी छठी सीरीज आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसे आप लोग किसी भी एनबीएफसी बैंक से बाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात ये आती है कि क्या सावरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट बनाना सही है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास है अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, और सावरेन गोल्ड बॉन्ड में जो आप लोगों की प्राइस रखी गई है प्रति ग्राम की 5100 रुपए के पास रखी गई है, और अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 50 रुपए का आप लोगों को और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का सावरेन गोल्ड बॉन्ड आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। तो सबसे सीधी और सिंपल से बात याद रखिए, जब आप लोगों की सावरेन गोल्ड बॉन्ड 42,000 रुपीज के प्रति 10 ग्राम पे जब मार्केट प्राइस पे था, तो सावरेन गोल्ड बॉन्ड आप लोगों का आया था लगभग 4100 के आसपास प्रति ग्राम के प्राइस। तो उस समय मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, और आप लोगों में से कई लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उस समय भी मुझे टोके थे कि नहीं, इस समय बहुत ज्यादा प्राइस है, थोड़ा सा और रुकना चाहिए मुझे, और जो बॉन्ड वगैरह की जगह गोल्ड ETF में हमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस और सस्ती आने वाली हैं, सावरेन गोल्ड बॉन्ड थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे। तो देखिए दोस्तों, मैंने उस समय भी आप लोगों को सही एडवाइस दी, और इस समय भी मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग सही एडवाइस दूंगा किनको आना चाहिए और किनको नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले जिनको आना चाहिए उसको समझ लीजिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें 8 साल तक अपने पैसे को नहीं छूना है, जिनके पास एक बल्क पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि उतना पैसा जितना कि इसमें अनुमति है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट बनाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मार्केट प्राइस से सस्ती मिल रही है, प्लस यहाँ पे आप लोगों को 2.5% का सालाना ब्याज भी मिल रहा है, यानी कि आप लोग एक साल में 2.5% तो ऐसे ही अर्न कर रहे हैं जो भी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अदर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आप लोगों को किसी तरह के रिटर्न नहीं मिलने वाले, भले ही 2.5% आप लोगों का इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, पर आप लोगों को 2.5% सस्ता मिल रहा है एक साल की वैल्यू में, ठीक है, इसको भी आप लोग कंसिडर कीजिएगा। दूसरी चीज कि किनको नहीं आना चाहिए, जो लोग छोटे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल टेनर के इन्वेस्टमेंट है, 1 से 2 साल वाले इन्वेस्टर हैं, या फिर जो लोग ये सोच रहे हैं कि दिवाली में आने वाला है भैया, नवंबर दिसंबर आने वाला है, यहाँ पे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, कि जो गोल्ड की डिमांड होती है ना ये फिजिकल में बढ़ती है, और ये एक बार को एक महीने के लिए बढ़ करके फिर दोबारा से अपनी अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है, फिर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। तो ऐसे लोगों को सावरेन गोल्ड बॉन्ड से तो दूर रहना, क्योंकि लिक्विडिटी का यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, 8 साल तक आप लोगों का लॉक इन पीरियड होता है यहाँ पे। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है वो ये ध्यान रखें कि आप लोगों को मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट टाइम करते हैं तो आप लोग हमेशा टाइम ही करते रह जाएंगे, क्योंकि हमेशा हमें लगेगा कि सोने की प्राइस महंगी है। अगर 48,000 पे रुक जाए 3 महीने तक, तो हम सभी परेशान हो जाएंगे, गोल्ड की प्राइस अभी भी महंगी है। अगर आप लोगों का 47,000 पे जाकर के रुक जाए, 45,000 पे रुक जाए, तो हमें लगेगा गोल्ड की प्राइस और महंगी, थोड़ा सा और करेक्ट होने दो। तो आप लोगों को मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो गोल्ड आप लोगों को अच्छे रिटर्न निकाल करके देगा, चाहे आप लोग सावरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप लोग गोल्ड ETF में, या फिर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बनाओ। बाकी मेरे प्रेडिक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो गोल्ड तो मुझे लगता है कि 50,000 के नीचे जाएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट बना करके रोक सकते हैं इतने लंबे समय तक, तो कोई बुराई नहीं है कि आप लोगों का गोल्ड सस्ता मिले, ठीक है। 2.5 से 3.5% का जो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है, उसको आप लोग नेग्लेक्ट करना चाहते हैं और सस्ते पे गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर खरीदिए, ये आप लोग अपने रिस्क पे खरीद सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, सावरेन गोल्ड बॉन्ड। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, और मुझे खरीदना हो तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, मैं ETF इन्वेस्टर हूं, सावरेन गोल्ड बॉन्ड में मैं केवल फर्स्ट सीरीज में इन्वेस्टमेंट करता हूं, बाकी की जो सीरीज है उनसे मैं दूर रहता हूं, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस, जब भी गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं ना दोस्तों, तो गोल्ड की प्राइसेस जो है ना वो बढ़ती ही चली जाती है धीरे धीरे। तो आप लोग अगर फर्स्ट सीरीज में फायदा ले लिए तो ले लिए, बाकी की सीरीज में मैं अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बनाता हूं। तो आई होप मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोगों का क्या मानना है मैं एक बार और पूछता हूं, नीचे कमेंट करके बताइए गोल्ड की प्राइस कितनी नीचे जाने वाली है, क्या आप लोग सावरेन गोल्ड बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं कि नहीं, और आप लोग अगर बना रहे हैं तो कितने तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या आप लोग गोल्ड ETF में भी जाएंगे, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी जाएंगे, या फिर फिजिकल गोल्ड तो खरीदेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।